फ्लाइट से ही स्टार्ट किए ओवर का और क्या रजा, क्या बात है भाई, क्लास। और पहला बॉल, क्या बात है यार, शाह रजा की। ओए ओए, नहीं नहीं भाई, टांगों पे नहीं लगी, कहीं और लगी है। नसल्ला से पूछो कहाँ लगी है, नसल्ला बताएगा कहाँ लगी है। नसल्ला ये दो हल्के हो गए आपके सामने, भी कर रहे हैं, छक्के भी कहा। नासिर बैटिंग में मौजूद है, पहले ओवर से खराब है, तीन ओवर हो चुके हैं, देखते हैं रन बचा पाते हैं। कम बैक करते हैं या हारिस कम बैक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, तो भाई एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है यॉर्कर अरीना में, जो कि नया अभी बिल्कुल खुला है, तकरीबन एक हफ्ता ही हुआ है। और यहाँ की जो मेगा इवेंट हो रहा है, उसके 25,000 रुपये विनिंग प्राइज़ है, 10,000 रुपये रनर प्राइज़ है। और तकरीबन 16 टीम जो है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारी टीम भी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास बैटिंग में मौजूद है शाह रजा, इसके अलावा मीसा में मैं हूँ, और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो नसरुल्ला है, अहमद है, और सामान आ रहा, और एक बॉलर और है जो अभी आ रहे हैं रस्ते में, जब पहुँच जाएगा तो फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सीन ये है कि हम लोग टॉस जीत गए, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। शाह रजा तो ओपनर जाएगा इसके साथ, देखते हैं कौन जाता है, मीसा या मैं, और बल्कि इफ़ी भी मौजूद है हमारे पास, तो चार पक्के बैट्समैन हैं, और दैट्स ही क्या होता है। हाँ, तो भाई स्टार प्लेयर मौजूद है हमारे पास, शाह रजा टेप बॉल के माने जाने ग्राउंड में। तो भाई तबाही बैटिंग आप कर दो, माशाल्लाह माशाल्लाह से। इंडोर के बारे में क्या कहोगे भाई, इंडोर में आज कैसी बैटिंग होगी और कैसा लगता है खेलना? इंडोर में बस थोड़ा मुश्किल होता है कि चारों तरफ बंद होता है और सामने मारना होता है, तो यही है, जो आता है वही करेंगे, नया कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो आता है वही। और वैसे ही इंडोर में भी नया कर भी सकते, क्योंकि लेग स्टंप वगैरह सब आपका बैग होता है, बॉल कहीं भी आए आपने सामने ही शॉट मारना है। और यहाँ पे सीन ये है कि ऊपर से लग के जाए, साइड से लग जाए तो 4 रन मिलेंगे, 6 रन नहीं मिलेंगे, मोस्टली इंडोर में 6 रन होते हैं, तो यहाँ पे पक्का शॉट मारना होगा और आपको 6 रन चाहिए। और 4 ओवर में क्या कहते हो, कितना टारगेट होना चाहिए? 30+40+ टारगेट देने की कोशिश। 30+, हाँ 30 से 40 का राउंड अगर हुआ तो हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम लोग रोक सकते हैं। हमारे पास अहमद है, नसरुल्ला है और उसामा है, बॉलिंग साइड में ऐसी है, शाह रजा भी बॉलर है पक्का, तो अब देखते हैं अगर 40 अंदर बना लिया हमने। ओपनर जा रहा हूँ, कौन जा रहा है साथ? चलो भाई, मीसा और शाह रजा तगड़े बैट्समैन जा रहे हैं, उम्मीद है कि 40+ रन बनाएंगे, लेकिन 40 कम भी होते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग ये रोक लेंगे। भाई सीन ये मैच बड़ा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि नासिर भाई की टीम है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, इसके अलावा आसिफ भाई भी खेल रहे हैं इनकी टीम में, और एक अच्छी टीम है, आपको मज़ा आएगा मैच देखने में, दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है। भाई मैच का आगाज़ हो गया, असद भाई आए हैं बॉलिंग पे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, शाह रजा को बॉल करेंगे, पहला बॉल वाइड था, पहला लीगल बॉल करने की कोशिश, लेकिन एक और वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, तो 2 रन मिल जाएंगे इस तरह से। मीसा मौजूद है नॉन स्ट्राइक एंड पे, शाह रजा मौजूद है, कराची टेप बॉल क्रिकेटर है, बड़ा नाम है शाह रजा। इसके अलावा हमारे पास और भी स्टार प्लेयर्स इंडोर कोर्ट में खेल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वो रिवील करेंगे। और पहला बॉल अभी भी लीगल करने की कोशिश करेंगे बॉलर, और एक और वाइड बॉल, 3 लगातार वाइड हो गई हैं। और अगर आप बात करें तो भाई असद शाह मौजूद हैं यहाँ पे, शफी आगा मौजूद हैं, इसके अलावा शफीकुर रहमान भी मौजूद हैं, तो 3 बड़े स्टार प्लेयर्स हैं जो आपको अगले मैचेस में ज़रूर नज़र आएंगे अगर हम ये मैच जीतते हैं, क्योंकि नॉकआउट स्टेज है, और नॉकआउट स्टेज से क्वालिफाई करेंगे तो फिर आगे स्टेज पे जाएंगे ना। और एक और वाइड बॉल, भाई 4 लगातार वाइड बॉल कर दी हैं, हाथ साइड नहीं हो रहा है, अभी बैटिंग पे मौजूद है, हमारा मैच यहाँ चल रहा है। और पहला बॉल, क्या बात है यार, शाह रजा की क्या क्लास है भाई, पहली बॉल पे 6 रन वाप लिए, तो एक बॉल पे 10 रन हो चुके हैं, एक बॉल हुई अभी तक और 10 रन ऑलरेडी दे चुके हैं असद। एक और अच्छा शॉट और ये भी 6 होगा, क्या बात है यार, क्लास है यार, अगर साइड से लगी है तो 4 होगा, डायरेक्ट लगी तो 6 होगा, क्या कहते हैं, डिसाइड हो रहा है अभी कि 6 होगा या 4 होगा, बॉलिंग साइड कह रही है 4 है, लेकिन फील्डर भी कह रहा है, और देखना होगा कि फाइनल डिसीजन क्या होता है अंपायर का, और अंपायर का डिसीजन है 6 रन मिलेंगे भाई। एक्सेलेंट बैटिंग हो गई भाई शाह रजा की जानब से, क्लास की बैटिंग कर रहे हैं शाह रजा इस वक्त, असद बॉलिंग पे, शाह रजा बैटिंग पे, और एक और वाइड बॉल, बेहतरीन भाई, 2 बॉलों पे 17 रन आ चुके, और तीसरा लीगल बॉल, और एक और अच्छा शॉट, लेकिन 1 रन मिल जाएगा, बॉल गई है दूसरे कोर्ट में, लग के जाएगी तो चौका, डायरेक्ट जाएगी,
अगर उस दीवार पे लगी है तो दीवार पे लगी है। नहीं वहाँ गई है, नहीं दीवार पे लगी है भाई बॉल। नहीं भाई उधर गई है बॉल, तो उस दीवार पे तो लगी है। हाँ उस दीवार पे लगी है ना, छक्का है तो चौका है, अगर लग के गई है तो चौका, डायरेक्ट गई है तो छक्का है, मगर बाउंड्री कंसीडर होगी। वो वाली दीवार पे लगेगी तो बाउंड्री है। और अगर इधर गिर गई कोर्ट में तो सिंगल, चार हो गया भाई, क्या बात है यार। अगर उस कोर्ट में भी जाएगी, बराबर वाले कोर्ट में भी दीवार पे लगेगी तो बाउंड्री होगी, ऊपर से नेट में थोड़ी सी जगह बाकी है। तीन बॉलों पे 21 रन ले चुके हैं शारदा, रिकॉर्ड वाइट बॉल भाई, 22 रन दे चुके हैं ऑलरेडी और बहुत ज़्यादा थक गए हैं अब, बॉलिंग नहीं हो रही उनसे, 22 रन आ चुके हैं, तीन बॉल है 22 और अच्छा डॉट बॉल, चार बॉलें हुई हैं, 22 रन आ चुके हैं। असद भाई खड़े हुए हमारा मैच देख रहे हैं, चार बॉल हैं 22 रन, ओवर का पांचवा बॉल करेंगे। ओ गुड बॉल, ये रन है और अच्छी रनिंग मीसम की, एक अच्छा रन लिया है मीसम ने। चार आधा मीसम को समझाते हुए कि क्या करना है, रन आ चुके हैं वैसे इस ओवर में अच्छे खासे, ओवर का आखिरी बॉल करेंगे। ओह गुड बॉल, गुड बॉल, आखिरी बॉल काफ़ी अच्छा तगड़ा किया, 23 सही। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर आ गए, 23 रन आ गए पहले ओवर में और शारदा और मीसम दोनों ही बैटिंग पे मौजूद हैं अभी स्टिल, और सेकंड बॉलर आ गए बॉलिंग करने के लिए। ओए होए होए, गुड लेंथ से बॉल किया है लेकिन बायर का इशारा वाइड बॉल, आई गेस ऑफ स्टंप की वाइड दी है इन्होंने और वाइड से ही स्टार्ट किया है ओवर का। और शारदा क्या बात है भाई, क्लास है भाई शारदा की, अभी तक सिर्फ एक ही बॉल हुई है और 7 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। ओह गुड बॉल, मिस कर दिया शारदा ने, दो बॉलों पे 7 रन आए। तीसरा बॉल ओवर का और वाइट बॉल, 8 रन आ गए भाई दो बॉलों पे। ओवर का तीसरा बॉल और एक रन बन सकता है, और ये शारदा रन आउट हो जाएंगे, शारदा की बड़ी विकेट हमारा नुकसान होगा। मीसम आवाज के साथ हरीश भाई आया स्ट्राइक है, 4 रन आ गया हरीश भाई इस वक्त स्ट्राइक पे, हरीश भाई स्टार्ट में मौजूद, बॉलिंग आए बॉलर आए बॉलिंग की, ओ गुड बॉल, बॉलर आए बॉल की, एम्पायर का क्रॉस किया, हो एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, ट्राई एम्पायर को क्रॉस किया बॉल किया, ओ भाई दो ओवर में 33 हो गए, बहुत ही तगड़ा बॉल कर रहा था यार, बॉल इन स्विंग भी हो रहा है आउट स्विंग भी हो रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बिल्कुल चांस नहीं दे रहा था मुझे मारने का। ये कि अभी दो ओवर में 33 हैं, अगले दो में हमने 20 रन भी कर लिए ना तो 53 एक अच्छा टारगेट होगा, और उम्मीद है कि इतना टारगेट हम लोग बना लेंगे, मीसम है मैं हूँ और उसके बाद इतनी भी है। दो ओवर 33 रन और तीसरा ओवर फैला गेंद हो चुका है और स्ट्राइक पे हरीश भाई मौजूद, बॉलर बिलाल आए गेंद की, एम्पायर को क्रॉस किया गुड शॉट लेकिन मैं बच गया, दो बॉल दो रन आ चुका है, बिलाल आए बॉल की, पैर को क्रॉस किया, हो वाइड बॉल, दो पे तीन आ गया, बिलाल आए बॉल की, पैर को क्रॉस किया, तीन बॉल चार रन आ चुका है, बिलाल ने आई गेंद की, एम्पायर को क्रॉस किया, शॉट चार बॉल पे 5 रन आ गया, बिलाल आई गेंद की, एम्पायर को क्रॉस किया, ओ गुड शॉट मीसम के बल्ले से, स्टेट का एक छक्का, कहा था ना कि अगर एक बाउंड्री भी आएगी तो स्कोर और अच्छा हो जाएगा, बिलाल आई गेंद की, ओ गुड ट्राई,
इसी के साथ एक रन बन गया। तीन ओवर हो चुका है इसमें, 12 भाई 12 आ गए टोटल, हो गए 45 और इसमें 10 से 12 रन और ले लिए, 50 का एक अच्छा टारगेट होगा इंशाल्लाह। एक बड़ा नाम असद शाह, तीन ओवर हो चुका है, 45-46 रन है, 60 प्लस करना है। बोलर आए बॉल की मिसम, ओ गुड शॉट, ये अभी अंपायर देखा 4 रन, क्योंकि ऊपर से लग के अगर नीचे पे बॉल ही जाएगी तो फिर वो 4 रन। बॉलर अंपायर को क्रॉस किया, रोड बॉल, 2/4 आ गई है, मिसन स्ट्राइक पे बॉलर आए, गेंदकीपर को क्रॉस किया, बॉल करते हैं तो ओ गुड शॉट, ओ गुड शॉट, एक रन बन चुका। बॉलर आए अंपायर को क्रॉस किया, ओ गुड बॉल, गुड बॉल, 4 बॉल 5 रन हो जाएगा। बॉलर आए गेंदकीपर अंपायर को क्रॉस किया, ओ अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, अंपायर ने बॉल दे दिया, कोई बॉल अलाउ भी नहीं दे रहा, वन शॉट कोई भी नहीं दे रहा, अगर देखा जाए तो वन शॉट आएगी इनकी आरिस अहमद को, ओ वेल आउट कर दिया आरिस अहमद को, वैसे भी लास्ट बॉल था, अगर बाउंड्री आता तो अच्छा हो जाता, लेकिन खैर अभी भी अच्छा है, 50 प्लस है भाई, 4 ओवर में हमने 50 रन बनाए, 51 रन का टारगेट है और एक अच्छा टारगेट है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना टारगेट हो गया। बैटिंग मुझसे इतनी अच्छी नहीं हुई लेकिन 4 रन ने वन मैन शो दिखाया माशाल्लाह से, मिशन ने भी अच्छी बैटिंग की और उम्मीद ये है कि बॉलिंग में हम लोग रोक लेंगे, एक बहुत अच्छा टारगेट है बॉलिंग हमारी जिस हिसाब से। नसरुल्ला आ गए पहला ओवर करने और नसरुल्ला पे पूरी उम्मीद है, सामने बैटिंग में मौजूद है नासिर जो कि टेप बॉल क्रिकेट में बड़ा नाम है, लेकिन इंडोर में देखते हैं परफॉर्म कर पाते हैं। चार बॉलों पे 5 रन आ गए, 2 बॉले बाकी हैं। नीचे
तगड़ी बॉल लगी है और लेट गया नासिर अभी। नहीं नहीं भाई टांगों पे नहीं लगी, कहीं और लगी है। नसल्ला से पूछो कहाँ लगी है, फुल्ला बताएगा कहाँ लगी है। फुल्ला टांगों पे लगी बता दिया लग गया ना, अल्लाह की चक्के का बदला ले, चक्के का बदला ले, चक्के का बदला लेंगे। अब विकेट चाहिए नासिर की। पुलिस का हमें ये गुस्से में हो गया था ही अहमद अपनी अगली बॉल पे बड़ा अच्छा पेस आ रहा है तो। और ये बॉल करा है और ये शॉट मारा नासिर ने। अहमद की जानिब से वाइट बॉल। कहेंगे इस ओवर के बारे में? इस ओवर में छक्का आ गया है, काफी एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा 12 रन आ चुके हैं। 12 रन आने पहले में कितने थे? 7 रन। 7 रन। क्या लगता है अहमद कमबैक करेंगे या नासिर कमबैक करेंगे लगने के बाद? हमारी साइड की बोल रहे या बैटिंग की साइड की? मैं तो दोनों की साइड हूँ। अब आप बताएं। वैसे अभी इस ओवर में 12 रन आ गया, इंडोर में 50 प्लस ज्यादा हो। लेट्स सी, देखते हैं। लवली बॉल अहमद, ये वाला अच्छा बॉल था, ये वाला इंडोर में यही होता है, अगर आप ये बॉल करोगे तो बचोगे। लास्ट बॉल है अहमद की, क्या पता मैच कर जाए। यार बॉलिंग करना काफी मुश्किल होता है, चाहे वो टेप बॉल में वार्ड बॉल में बॉलर जान मारता है। अभी लेकिन बॉलर तक किया, सामने नासिर खड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, यही तो कुछ भी हो सकता है, कराची का बड़ा नाम है। वाइट बॉल, ओके इसको छक्का बचाना होगा इस बॉल पे, क्योंकि 12 आ चुके हैं। 13 मैच बॉल है अहमद की। दो और 20 है भाई, 13 रन आए ना, 13 है, 13 और 7 20 हो गए और 31 रन रह गए। 4000 भी बॉलिंग पे आखिरी ओवर फंसेगा, देखते हैं कौन करता है आखिरी ओवर। शादा शारा हमें चाहिए नासिर के लिए, नासिर के लिए राजे तो अच्छा प्रेशर मिल जाएगा। क्या कहेंगे आपको, ये शारजा मैच ओवर कर जाएंगे या नासिर मैच जितवा देंगे? लेट्स सी, आई होप, आई होप यही ओवर है, मैच ओवर है। पहला बॉल तो अच्छा हो गया शारजा की तरफ से, अब सेकंड बॉल चेक करते हैं। अच्छा बॉल लेकिन वाइड हो गया। दो बॉल है, 1 रन। एम्पायर की जानिब से नो बॉल नहीं दी गई। शॉट नासिर की जानिब से, बड़ा ही प्यारा उम्दा छक्का। यही तो बात, सही करा। शॉट, एक और शॉट लेकिन सेफ कर लिया।
चार बॉलों पे 8 रन आ चुके हैं। लेट्स सी, देखते हैं शाहराज दो बॉलें क्या कराते हैं। वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल, ग्यारह रन आ चुके हैं शायद। बैट 11, चार बोले 5-11, ओके। लेट्स सी आखिरी बॉल कैसा कराते हैं शाहराज। जी नसरुल्लाह, क्या कहना चाहेंगे, लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर है, 20 रह गया। काफी हमारे बॉलर भी आपके सामने अच्छा भी कर रहे हैं, छक्के भी खा रहे हैं। हारिस भाई ये बचा देंगे, हारिस भाई आ गया, हारिस हारिस भाई मुझे पता है बचा देगा, काफी मतलब इन लोग खेलते रहते हैं, एक्सपीरियंस भी है। हारिस भाई 20 रह गए, नासिर बैटिंग में मौजूद है, पहले ओवर से खराब है, 3 ओवर हो चुके हैं, देखते हैं रन बचा पाते हैं। सैयद नासिर खड़ा हुआ है, पहली बॉल अच्छी कराई है हासिर हारिस भाई ने। लेट्स सी अगली 5 बॉलें देखते हैं हारिस भाई कैसे अवेल करते हैं, या नासिर कमबैक करते हैं या हारिस कमबैक करेंगे। अच्छा बॉल, अब हारिस भाई को चाहिए 2 बॉलें बचा दें। आई थिंक ये मैच क्लोज हो चुके हैं, 3 बॉलों पे 20 रन रह गए हैं, 3 बॉलों पे 20। जिस तरीके से वो कर रहे हैं हारिस भाई, मैं कहता हूं चक्का नहीं लगेगा। लेट्स, ये इंडोर में यही बॉल बच सकती है। और अगेन अच्छा बॉल हारिस भाई की जानिब से, 20 ये लो। यहाँ पे हारिस भाई तगड़ा ओवर कराते हुए सैयद नासिर के अगेंस्ट, अगेन वाइड बॉल, नसरुल्लाह क्या कहते हैं आप, कोई भी बॉलर हो ना जान मारने के बाद एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि इतनी सी वाइट है आपको पता है, तो यही अब तो मैच फिनिश हो चुका है, अपनी जान मारने की जरूरत नहीं है। मैच खत्म हो गया है और फाइनली हारिस भाई मैच विन कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया मैच, नासिर भाई को 5 डॉट करा दी दो वाइड। अबे हसन अहमद भाई क्या कह रहा है, बॉलर से बॉल स्क्रीन में, देखो ये बॉल, ये जो है मेन रीजन है, ये बहुत बड़ा बॉल है, 8 बॉल से भी बड़ा बॉल है, बाकी बिल्कुल सही बात है, इसको ऑब्जेक्शन उठाते हैं हम, ऑब्जेक्शन की बात नहीं, क्रिकेट है लेकिन पूरी टूर्नामेंट इसी पे हमारा सब, मैंने इससे कहा भी था कि हारिस भाई आके वो बचा देगा, चक्का भी नहीं लगेगा, मुझे पता है आपने कहा एक्सपीरियंस काफी एक्सपीरियंस है हमारा, मैच टीएलडी की बराबर है, सेमी में खत्म, लेकिन टीम अगर मैं आपको बताऊं जिस टीम से हमारा मैच हो रहा है अभी, उसमें शफी आ गए, सच जाए शफी को रहमान है, सारे बड़ी साथ है, साथ पांडू भी है, और एक बहुत बड़ी साइड है, और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह। तो भाई आज की रात का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, वैसे तो ये सेमीफाइनल है लेकिन टीम जो है ना बहुत तगड़ी हैं, सामने हमारे हैं असद शाह, शफी आगा, शफीकुर रहमान, साद पानू, एक बहुत तगड़ी साइड है, उनसे हमारा मैच है, हमारा मैच आपने देख लिया होगा पिछला वाला, सबने ही अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा एक टारगेट दिया था इस मैच में भी अगर हम लोग, लेकिन इस मैच में हमने सीन ये कि पहले हमने बॉलिंग की है, क्योंकि हमारे एक लड़का शॉर्ट है जो कि अच्छा बैट्समैन है, हमने बोला पहले बॉलिंग कर लेते जब तक वो आ जाएगा, तो बॉलिंग में सीन ये कि हमें 30 रन के अंदर अंदर रोकना होगा अगर हमने ये मैच जीता है, क्योंकि उनकी बॉलिंग साइड बहुत पक्की है, और 30 रन जो है वो एक अच्छा टारगेट होगा।